हाई गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ स्किन केयर मेकअप प्रोडक्ट्स जो कि मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ उनका मैं रिव्यू शेयर करने वाली हूँ वो ऑलमोस्ट खाली हो गए हैं या पूरे खाली हो चुके हैं So, I'm going to tell you कि वो मेरे कैसा वर्क करे तो आप को उनको खरीदना चाहिए कि नहीं एंड वेदर आई एम गोइंग टू परचेज नॉट री स्टॉक करूंगी भी कि नहीं सो वीडियो इन टेस्ट जरूर देखिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ गाइज आप जाकर मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सो आई विल स्टार्ट विथ स्किन केयर फर्स्ट बिकॉज मेरे पास स्किन केयर प्रोडक्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेकअप जो कि मैं एम टीज़ के मैं दिखाना चाहती हूँ तो मैंने इतने टाइम से ना ये सब खाली डब्बे इकट्ठे करके रखे हुए थे कि मैं इन पर एक वीडियो बनाऊंगी एंड सौरभ वॉज लाइक कि क्या है तुम इतने सारे खाली चीज़ें क्यों रखी हो तुम इसको हटा के कर मेरे लाइक रुको मेरे को पहले वीडियो बनाना है उसके बाद मैं आपको बत, ये सब हटाऊंगी तो मेरे पास ना सबसे पहले फेस वॉशेस आए लिटरली वॉश माई फेस टू अ डे एंड मेरे को बहुत पसंद है एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन करना तो मे मेरे पास ऑलमोस्ट बहुत सारे एक दो तीन चार पाँच फेस वॉशेज हैं जो कि एम टी हैं एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि ये मेरे ऊपर कैसा वर्क करे सो फर्स्ट फेस वॉश है गुड वाइब्स का टी ट्री फेस वॉश एंड ये एक जेंटल लेंजिंग फेस वॉश है दिस इज रियली गुड एंड ये मेरे ऊपर बहुत अच्छा वर्क है आई हैव ऑलमोस्ट यूज इट ये इसमें एक पम्प बचा है जो कि इसमें नहीं आता मैं इसको खोल के यूज कर लूंगी सो so, मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ दिस इज माई सेकेंड बॉटल एंड आई एम गोइंग टू री स्टॉक दिस बिकॉज फर्स्टली बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है पर्पल पे सेल चलती रहती है तो हम वहाँ से खरीद सकते हो एंड सेकेंडली ये टी ट्री है इसमें तो ये आपके ब्रेकआउट्स और पिंपल्स के चांसेस को कम करता है एंड ये एक फोमिंग फेस वॉश है तो और जेल बेस्ड है तो ये ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है उसके बाद मेरे पास ये फेस वॉश है बायोटिक का बायो पपाया फ्लॉलेस फिनिशिंग फेस वॉश ये भी बहुत अच्छा है ये मेरी सेकेंड ट्यूब है एंड दिस इज ऑलमोस्ट एम तो इसको भी मैं रिस्टोर करूंगी यहाँ पे मैं जितने भी प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ ऑल आर वेरी अफोर्डेबल क्योंकि मैं बहुत अफोर्डेबल स्किन केयर यूज़ करती हूँ बिकॉज़ एक तो मेरा सामान इतनी फटफट खत्म होता है ना तो मेरे को फटफट रिस्टॉक भी करना होता है इसलिए तो मैं एक बार मैं बहुत ज़्यादा महंगा सामान नहीं लेती हूँ तो छोटा छोटा सामान लेती हूँ सस्ता सस्ता सामान लेती हूँ और आपको बताती भी हूँ कि क्या क्या सस्ते में बहुत अच्छा वर्क कर सकता है ज़रूरी नहीं है कि हज़ार रुपये की चीज़ लोगे तो ही अच्छा वर्क करेगी भाई सौ रुपये की चीज़ भी बहुत अच्छा वर्क कर सकती है आपको बस नॉलेज होनी चाहिए कि आप उसको यूज़ कैसे करते हो और वो नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ ना इसलिए अगर गाइज अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो तो ये वाला एक फेस वॉश है उसके बाद मैंने ये ऑलमोस्ट एम टी आपको उसकी ट्यूब देख के भी शर्म आ रही है मेरे को दिखाने में ये मोहा का हर्बल फेस वॉश है एंड दिस वॉज रियली वेरी गुड एंड इसमें न्यूम है क्योंकि अंबर है एलो है रोज है फ्रेगरेंस वाइज बहुत अच्छा है एंड इसको तो मैं लिटरली फेंकने वाली हूँ ट्यूब दबा दबा के निकाल चुकी हूँ अब इसमें से कुछ भी नहीं निकलता है उसके बाद आई रिसेंटली डिस्कवर्ड दिस फेस वॉश विच वॉज़ फ्रॉम पिलग्रिम सीक्रेट्स ऑफ जीजू आइलैंड कोरिया वॉल्कैनिक लावा एश फेस वॉश ये मेरे को पी आर में आया था एंड एक और इसकी बॉटल पड़ी हुई है तो मैंने अपना पी आर वाला वीडियो डाला है अगर आपने नहीं देखा तो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट एज वेल मैंने वो वीडियो डाला है उस पर एक गिव अवे भी लाइव है सो यू कैन गो एंड चेक दैट उसके बाद मैंने यहाँ पे ये फेस वॉश जब मैंने यूज़ किया आई वॉज इन लव इसका जो टेक्स्चर है जो फॉर्मिनेशन है एंड इतना अच्छा रिजल्ट देता है ना एंड दिस इज़ ऑल्सो एम टी सेकेंड बॉटल में खोलने वाली हूँ सो दिस इज ऑल्सो एम टी उसके बाद लास्ट फेस वॉश जो है वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स। आई स्वेयर बाय दिस प्रोडक्ट इसके मेरे पास दो ऑलरेडी बैकअप में हैं जो मैंने में में है, really कि मैंने मेरे को पीआर में आए हैं आई एम रोली लकी कि मेरे को पीआर आता है प्लम की तरफ से तो ये मेरे को प्लम वालों ने ये मैंने खुद खरीदा था प्लम वालों ने बाद में मेरे को तीन फेस वॉशेज और भेज दिए तो इसके मैं ऑलरेडी दो ट्यूब यूज कर चुकी हूँ सो आई एम गोइंग टू ओपन माई थर्ड ट्यूब नाउ ये एक ग्रीन टी पोर क्लेंजिंग फेस वॉश है ये भी एक जेल बेस्ड क्लेंजिंग फेस वॉश है फोमिंग फेस वॉश है एंड ये बेस्ट है कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन तो अगर आपके कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन है तो आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हो एंड ये वाला भी बहुत अच्छा है गुड बाइप के और भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हो तो मेरी रिकमेंडेशन है कि ये पाँचों फेस वॉश आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा अच्छे प्रॉपर हेयर केयर इज़ अ मस्ट फॉर मी बिकॉज मेरे बाल पूरे केमिकली ट्रीटेड हैं एंड दे आर वेरी मच कलर्ड बिल्कुल भी वर्जन हेयर नहीं है तो मैं अपने जो हेयर पे शैम्पू यूज़ करती हूँ वो यूज़ करती हूँ लॉरल पैरस प्रोफेशनल एब्सोल्यूट रिपेयर शैम्पू इसकी मैंने एक लीटर वाली बॉटल भी मंगाई थी एंड ये भी मंगाई थी एक लीटर वाली बॉटल ख़त्म हो गई है ये भी ख़त्म हो गई है इसका हेयर मास्क भी मंगाया था और इसका छोटा वाला भी मंगाया था सब खत्म हो गया आई लिटरली लव इट सी दिस इज़ एम टी एंड दिस इज ऑल्सो एम्पटी अब आप सोच सकते हो कि मैंने इतना सारा यूज़ किया है इसको तो ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा है बट आई थिंक आई एम नॉट गोइंग टू री स्टॉक दैम बिकॉज इट्स बीन ओवर एन ईयर कि मैंने अपना शैम्पू नहीं बदला है तो मैं इसको तो रिस्टॉक नहीं करने वाली हूँ बट ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करा मेरे लिए एंड नाउ आई एम गोइंग टू चेंज माई शैम्पू बिकॉज अकॉर्डिंग टू एन हेयर स्टाइलिस्ट एंड सारे डॉक्टर्स के हिसाब से भी आपको थोड़े थोड़े दिन में ना आपको अपना शैम्पूज और वो सब चेंज करने चाहिए ताकि आपको भी पता चले कि आपके हेयर्स के लिए बेस्ट सूटेड क्या है क्या पता मेरे को इससे बेस्ट प्रोडक्ट और कुछ मिल जाए तो मैं अपने हेयर स्टाइलिस्ट से पूछूंगी कि मेरे को और कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए तो अभी मैं ये वाला यूज कर रही हूँ करेंटली एंड दिस इज ऑलमोस्ट एम टी शैम्पू भी पूरा खत्म हो गया वन लीटर वाली बॉटल भी एंड ये भी तो अभी मैं इसको साइड करूंगी नेक्स्ट मैं कुछ और नया ऑर्डर करूंगी अब वो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगी कमिंग टू टोनर टोनर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई स्किन केयर रूटीन जब भी मैं फेस को वॉश करती हूँ मैं टोनर लगाना नहीं बोलती बिकॉज जैसे मैं फेस वॉश करके बाहर निकलती हूँ वॉशरूम के तो मुझे लगता है कि मेरी फेस पे सबसे पहले मेरे को टोनर चाहिए एंड दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई अप्लाई तो मेरे पास भरमार है टोनर्स की एंड द फेवरेट अमंग देम आर माय गुड वेल्स के टोनर्स ये छः के छः होटल खाली हैं इनमें कुछ भी नहीं है एंड मैं इतने दिनों से इनको सजाई हुई थी जस्ट टू मेक द वीडियो एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू री स्टॉक दैम बट आई एम नॉट गोइंग टू री स्टॉक ऑल ऑफ देम बट हाँ इनका मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं पर्सनली कौन कौन से री स्टॉक करने वाली हूँ इनका ये रोज़ ग्लो टोनर है इसको मैं डेफिनेटली री स्टॉक करूंगी ये बहुत ही अच्छा है एक ही ग्रीन टी वाला है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है तो इसको भी मैं रीस्टोर करूँगी उसके बाद ये नीम एंड तुलसी है तो इसको मैं रीस्टॉक नहीं करूँगी बिकॉज आई थिंक ये अच्छा वर्क करा बट पता नहीं आई वॉज नॉट हैप्पी कि इसमें कुछ नीम एंड तुलसी जैसा कुछ भी फ्रेगरेंस नहीं लगता है मेरे को तो ये वाला मैं नहीं री स्टॉक करूँगी उसके बाद ये राइस का ब्राइटनिंग टोनर है तो इस बार मैंने सोचा गुड वाइफ्स का राइस टोनर के अलावा मैं फेस शॉप का टोनर मंगाने वाली हूँ बिकॉज आई लिटरली हर्ड अबाउट दैट टोनर लॉट एंड मैंने वो अभी तक यूज़ नहीं किया है सो आई एम गोइंग टू रीस्टॉक द फेस शॉप वाला उसके बाद ओनली एंड ओनली आई थिंक अभी तक मैंने सिर्फ विच हेजल का जो है गुड वाइब्स में सुना है आप मुझे बताओ कहीं और भी विच हेजल का टोनर आता है इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज विच हेजल विच हेजल एक क्रीम आती थी एंड आई डोंट नो अभी भी आती है शायद जो आपकी डेड स्किन को रिमूव कर देती है आपके ब्रेकआउट्स को बचाती है आपको पिंपल्स को बचाती है तो आई यूज टू यूज़ दैट क्रीम अर्लियर बट अब मेरे को बहुत ईजिली वो नहीं मिलती है तो आई फाउंड दिस टोनर एंड आई एम लिटरली गोइंग टू री स्टॉक इट्स बिकॉज आई स्वेयर बाय दिस एंड ये बहुत ही अच्छा है उसके बाद मैंने यहाँ पे मंगाया था लैवेंडर सूदिंग टोनर इसको मैंने यूज़ तो कर लिया बट आई डिड नॉट लाइक डिट बिकॉज इसमें ऐसा कुछ भी सूदिंग नहीं है ऑल दो द स्मेल इज़ ओके नॉट दैट ग्रेट नॉट दैट बैड बट आई एम नॉट गोइंग टू रिस्टॉक इट इसके अलावा मैं इसका इसकी जगह मैं इनका पोमो ग्रैनेट टोनर मंगाने वाली हूँ बिकॉज पोमो ग्रानिट टोनर बहुत अच्छा है वो मैंने पहले यूज़ किया हुआ है तो ये छः टोनर्स अभी मैं करेंटली यूज़ कर रही थी और भी टोनर्स मैंने यूज़ करे हुए हैं प्लम का है और और भी सारे हैं जो मैं यूज करती हूँ तो बट ये छह खाली हो चुके हैं तो इसमें से मैं कुछ रिस्टॉक करने वाली हूँ कुछ रिस्टॉक नहीं करने वाली हूँ और कुछ नई चीज़ें मंगाने वाली हूँ टॉकिंग अबाउट द बायोटेक प्रोडक्ट्स फर्स्टली दे आर वेरी अफोर्डेबल एंड वो बहुत ही अच्छा वर्क करता है पर्सनली मेरी स्किन में बहुत ही ज़्यादा वो अच्छा वर्क करता है सो आई करेंटली यूज दीज प्रोडक्ट्स फर्स्टली

पूरी खाली हो चुकी है थोड़ी सी बची है सो तो मैं उसको भी यूज़ कर लूँगी इसको मैं जनरली डे टाइम में यूज़ करती हूँ तो इसको यूज़ करके मेरे को अच्छा तो लगा बट आई थिंक आई कैन फाइंड बेटर प्रोडक्ट्स दैन इट बिकॉज ये ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा सस्ती है या बहुत ज़्यादा महंगी है नॉर्मल रेंज में है सब कुछ वैसे पीछे एम आर पी वगैरह मिट गया तो know, 200 आई डोंट नो अप्रॉक्सिमेटली टू हंड्रेड के अंदर ही आई होगी अच्छी है आप ट्राई कर सकते हो बट आई एम नॉट गोइंग टू री स्टॉक इट बिकॉज मैं बोर हो चुकी हूँ उससे अब यूज़ कर करके उसके बाद मेरे पास है बायोटिक की एडवांस्ड आयुर्वेदा बायोविट जम यूथफुल नरिशिंग नाइट क्रीम एंड इट्स अमेजिंग आई हैव यूज इट अ लॉट फुल टब इज एम मतलब कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है इसमें इट्स ऑल एम टी इट्स ऑल एम टी सो आई एम गोइंग टू री स्टॉक दिस फॉर श्योर बिकॉज आई थिंक मैं मेरी ये ना जनरली मैं डेली नाइट स्कैन के रूटीन में ये मेरा पार्ट था मैंने बहुत सारी नाइट क्रीम्स यूज़ करी हैं बट दिस वॉज द फेवरेट अमंग डैम सो मेरे को अभी ऑर्डर लगाना है और मैं इसको डेफिनेटली ऑर्डर करने वाली हूँ बिकॉज मेरे पास अभी नाइट क्रीम में कोई भी क्रीम नहीं है एज सच एंड आई जनरली यूज़ एलोवेरा जेल क्योंकि मैं बस अभी काम चला रही हूँ मैं आलस में ऑर्डर नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई एम थिंकिंग कि कभी मेरे को ये लेना है कभी मेरे को ये लेना है सो आई एम स्टिल येट टू डिसाइड कि मैं सोच रही हूँ मैं सारी चीज़ें एक साथ मंगा लूँ सो एम गोइंग टू ऑर्डर इट सू मॉइस्चराइजर और क्रीम की बात करें ना तो कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन वालों के लिए ना बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे मॉइस्चराइजर और ऐसी क्रीम ढूंढना जो कि आपके लिए चिपचिपापन भी ना दे एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको हाइड्रेशन और मॉइस्चर भी दे तो उसके लिए सबसे पहले मेरा ऑप्शन आपके लिए आएगा ये पॉन्ड्स का सुपरलाइट जेल एंड आई हैव लिटरली यूज मोर देन हाफ ऑफ द टब हाफ ऑफ द टब भी क्या ये भी खाली हो चुका है सी सिर्फ ये फॉइल लगा हुआ आई डोंट नो फॉर वॉट रीजन बट मैं इसमें ऐसे ऐसे करके सारा इसमें से निकाल लेती हूँ एंड आई लिटरली लव दिस दिस इज़ वेरी गुड वेरी लाइट वेट फार्मूला आपको हाइड्रेशन मॉइस्चराइजर सब देती है एंड आपको चिपचिपापन भी फील नहीं होता है उसके बाद आई रिसेंटली स्टार्टेड लविंग दिस लैकमे की विटामिन सी डे क्रीम एट इनिशियल स्टेज आई वॉज लाइक कि मैं इसको मंगाऊँ ना मंगाऊँ मंगाऊँ ना मंगाऊँ बट जब ये आ गई एंड आई स्टार्टेड यूजिंग इट आई लिटरली लव इट इसका जो फार्मूला है आई इल शो यू वाइज इसका जो फॉर्मूला है ये ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा ट्यूब मैंने यूज़ कर ली है बट इसमें इतनी सी बची है एंड आई एम स्टिल यूजिंग इट तो इसका जो फॉर्मूला है बहुत ही लाइट वेट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये आपको मॉइस्चर भी देता है हाइड्रेशन भी देता है ये समर एज वेल एज विंटर्स दोनों के लिए बहुत अच्छा है एंड विटामिन सी इज़ रियली गुड फॉर योर स्किन आपकी स्किन में ग्लोइंग इफेक्ट लाती है आपकी स्किन को प्लम्पी बनाती है हेल्दी बनाती है तो आप ये वाला भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो उसके बाद मेरे पास एक है व्या नेचुरल्स का पेप्टाइड विटामिन ई e मॉइस्चराइज़र खत्म पूरा खत्म कर ली हूँ भाई मुझे लगता है कि एक महीने के अंदर ये मॉइस्चराइजर पूरा खत्म हो गया था बिकॉज मैं स्वेयर कर गई थी भाई मैंने जब इसको यूज करना चालू किया ना मेरे को प्यार हो गया इस मॉइस्चराइजर से इतना अच्छा इसने वर्क किया फोर्सली इट हैज विटामिन ई ऑयल जब मैं इसको लगाती थी मेरे को लगता था कि मेरी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो कर रही है हेल्दी हो रही है एंड ब्रेकआउट्स कम हो रहे हैं पिम्पल्स कम हो रहे हैं तो मैं इसको तो हंड्रेड परसेंट रिस्टॉक करने वाली हूँ तो दीज आर द थ्री फेवरेट मॉइस्चराइजर जिसको मैं रिस्टॉक करने वाली हूँ एंड आई लिटरली लव इट आप इसमें से कोई भी ले सकते हो अपने बजट के अकॉर्डिंग एंड दीज आर रियली वेरी अफोर्डेबल जितने भी इस वीडियो में प्रोडक्ट्स हैं सारे सुपर अफोर्डेबल अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो तो आप लोग को पता है कि मैं सिरम लगाना नहीं बोलती हूँ चाहे वो सीरम हो चाहे फेशियल ऑयल हो आई जनरली यूज इट ऑन अ डेली बेसिस डे एंड नाइट अलग अलग तो जो मेरे स्वेयर बाय सबसे ज़्यादा मेरे को पसंद आते हैं वो है डर्मा को कि टेन परसेंट नया सेनामाइट सीरम्स ये एक्ने मार्क्स कार सबको लाइटन करते हैं एंड आई हैव यूज्ड टू बॉटल्स ऑफ इट फर्स्ट बॉटल इनकी ट्रांसपेरेंट आई थी सेकेंड बॉटल इनकी कुछ स्टेप की आई तो मेरे को आई डोंट नो सेम है सब कुछ बट आई थिंक पैकेजिंग चेंज हो गई थी तो ये दोनों खाली हैं तो आई एम गोइंग टू री स्टॉक इट अगैन उसके बाद जो मेरे पास यहाँ पे ये खाली बॉटल्स पड़ी हुई हैं कैन यू इमेजिन कितनी सारी खाली चीज़ें मैंने रख रखी थी फॉर दिस वीडियो इसलिए वीडियो अभी भी देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना गाइज आपका सपोर्ट मेरे को बहुत चाहिए और उसके बाद यहाँ पे है गुड वाइफ्स का टी ट्री एंटी ब्लेमिश ऑयल दिस इज़ रियली वेरी गुड जब भी मेरे को एक्ने या पिंपल हो जाता है मैं अपने मॉइस्चराइजर में टू टू तो थ्री तो ड्रॉप्स की डाल के मिक्स करके लगा लेती हूँ उसके बाद है यहाँ पे जुजोबा का गुड वाइफ्स का जुजोबा एंटी डिफाइंग फेस सिरम ये भी बहुत अच्छा है आपकी स्किन को लाइट करता है ब्राइट करता है उसके बाद मेरे पास है गुड वाइफ्स का विटामिन ई डी पिगमेंटेशन स्किन सिरम आई थिंक आई एम नॉट गोइंग टू रीपर्चेज दिस बिकॉज आई वॉज नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट मुझे एक्सपेक्टेड था कि जब मैं विटामिन ई लगाऊं तो इट गिव्स मी दैट हाइड्रेशन लेवल दैट मॉइस्चर लेवल एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कुछ ब्राइटनेस और कुछ हेल्थीनेस बट इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया ये मेरी स्किन को मॉइस्चर तो देती थी बट इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है सो आई वॉज नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट तो मैं ये गुड गुडवाइफ्स का विटामिन ई वाला तो डेफिनेटली नहीं परचेज करने वाली हूँ बट ये दो आई एम गोइंग टू कीप इट एंड आई एम गोइंग टू री स्टॉक इट एंड मैं आपको भी सजेशन देती हूँ तो अगर आप विटामिन ई सीरम देख रहे हैं तो इसका नहीं लेके आप फेस शॉप या क्लेयर्स का ले लो वो ज़्यादा अच्छा है बट गुड गुडवाइव्स के अगर आप अफोर्डेबल रेंज में सीरम देख रहे हो तो टी ट्री वाला ले सकते हो जोजोबा ले सकते हो दिस आर रियली वेरी गुड प्लस गुड वाइफ्स का रोज फेशियल ऑयल आता है वो भी बहुत अमेजिंग है आप वो भी यूज़ कर सकते हो कमिंग टू द आईब्रो पेंसिल मेरी ना आईब्रोज बहुत लाइट है तो मैं आईब्रो पेंसिल के बिना तो निकल ही नहीं सकती हूँ तो जनरली डेली मैं ना मैं बहुत अफोर्डेबल रेंज के यूज़ कर सकती हूँ बिकॉज मेरे को रोज़ आईब्रो पेंसिल चाहिए और मेरी आईब्रो पेंसिल मुझे लगता है दो हफ्ता चलती है उससे ज़्यादा चलती भी नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा तो तीन हफ्ता चल जाएगी उससे ज़्यादा नहीं चलेगी बिकॉज़ मैं दो तीन बार तो दिन में लगा ही लेती हूँ तो उसके लिए मैं अफोर्डेबल रेंज ढूंढती हूँ तो उसके बाद मेरे पास मिस क्लेयर की है ये वाली मिस क्लेयर की ये भी मिस क्लेयर के दो एक ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ ये दो हैं ये ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट में बहुत ज़रा सा है लिटरली दिस मच एंड ये भी मैं ऑलमोस्ट यूज़ कर चुकी हूँ सो आई एम गोइंग टू रिस्टॉक दिस बिकॉज डेली पर्पज़ पे मैं ये ही दो यूज़ करती हूँ एंड आई लिटरली लव इट काजल की बात करें तो मेरे पास बहुत सारे काजल्स तो हैं बट आई डोंट यूज काजल दैट मच जितना मैं लाइनर यूज़ करती हूँ बट कुछ कभी पार्टी में मेरे को काजल लगा के जाना है या मेरे को लाइनर नहीं लगाना है फॉर अ डिफरेंट वे मेरे को काजल लगाना है तो मैं इन काजल्स पर सर्वाइव करती हूँ ये प्लम का काजल है एक खत्म हो चुका है दूसरा भी आधा हो चुका है ये वाला मेरे को पी में आया था तो मैंने पहले खोल लिया बिकॉज इसको मेरे को शार्पिन करने में आलस आ रहा था कितनी आलसी हुए यार मैं सो या लिट्रली तो ये मेरे स्वेर पाए काजल्स हैं मैं इनको बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ बिकॉज फर्स्टली दे आर लिटरली स्मच प्रूफ वाटर प्रूफ एंड बहुत ही अच्छे से ग्लाइट होने जाते हैं एंड दे आर जेड ब्लैक तो अगर आप एक अच्छा काजल ढूँढ रहे हो अफोर्डेबल रेंज में अफोर्डेबल तो नहीं है थोड़ा सा प्राइस ही इट्स लाइक फोर हंड्रेड समथिंग रुपीज़ बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड परचेज दिस सो आई लिटरली लव इट एंड आई कैरी इट ऑल द टाइम इन माई मेकअप बैग एंड इन माई पर्स तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो और अगर आपने व्हाट्स एन माई बैग वाला वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख लेना और मेरे से बोला था ना कि मेरे नीगल्स का एंड टाइम आ गया तो देखो एक ये टूट गया है और एक ये टूट गया है अभी बस इतने बचे हैं पता नहीं कितने दिन तक बचने वाले हैं यू इसकी स्टोरी आपको उस वाले वीडियो में पता चलेगी ना आपको लगेगा कि क्या बरकवास मार रही हूँ मैं बट इसकी इसकी स्टोरी मैंने एक उस वीडियो में बताई थी तो आप वाला वीडियो जाके देखो तब आपको पता चलेगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट वाट दिस इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फेवरेट मस्कराज अगर मैं इसको खोल के दिखाऊँ ना इसमें कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है दिस इज़ ऑलमोस्ट एम एंड दिस इज द सेकेंड बॉटल जो ख़त्म हुई है दिस इज कलर बार का जूम एंड वोश मस्कारा इसमें डबल वनज आते हैं एक आपका फॉर लेंदनिंग होता है और एक आपका फॉर वॉल्यूम होता है एंड ट्रस्ट मी गाइज आपने अगर ये वाला मस्कारा यूज़ कर लिया ना आप सारे मस्कारा भूल जाओगे इतना अफोर्डेबल है इतना बढ़िया है एंड दोनों वेरिएंट्स में अवेलेबल है वाटरप्रूफ भी और नॉन वाटरप्रूफ भी ये वाला नॉन वाटरप्रूफ है बिकॉज मैं डेली बेसिस पे यही यूज़ करती हूँ एंड आई लव इट लिप बाम की बात करें तो यूगाइज़ नो कि आई लव बॉडी शॉप के लिपॉम्स एंड मैं वही यूज करती हूँ तो ये है मेरे लिप बाम की हालत ऐसे दो हैं जो ख़त्म हो चुके हैं सो आई लिटरली लव इट अगर आप एक अच्छा लिप बाम ढूंढ रहे हो तो आप बॉडी शॉप में इन्वेस्ट कर सकते हो वरना आप मेरे को कुछ कमेंट्स करके बताओ कि यार मैं और कौन से लिप बाम्स ट्राई कर सकती हूँ बिकॉज मैं बाम डेली लगाती हूँ डे एंड नाइट तो एंड विंटर्स में तो मेरे को बहुत ज़्यादा नीड पड़ जाती है तो आप मेरे को बताओ कि मैं और कौन से ट्राई कर सकती हूँ बिकॉज इन टर्म्स ऑफ लिप बाम्स मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है कि कौन से ज़्यादा अच्छा है कौन से ज़्यादा खराब है सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड सजेस्ट मी सम गुड लिप बाम्स जब किसी के पास ना बहुत सारी लिपस्टिक्स होती हैं तो अगर कोई लिपस्टिक उसमें से ख़त्म हो जाती है ना सो इट्स अचीवमेंट भाई मतलब ये तो सुपर काम करिए इसीलिए वो ख़त्म हुई है तो उसमें से एक ना ये नायका की लिपस्टिक है ये चाय है एंड दिस इज ऑलमोस्ट एम टी लुक एट दिस इसमें कुछ भी नहीं बचा है ओ माई गॉड इसमें से इसमें कुछ भी नहीं बचा है दिस इज एमटी एंड आई एम गोइंग टू रिस्टॉक दिस अगैन दिस इज़ सच ए ब्यूटिफुल शेड एंड मैंने मिनी इसलिए मंगाई थी बिकॉज आई लिटरीली वॉन्ट टू ट्राई द फॉर्मुलेशन एंड एवरी थिंग बट इसके बाद मैं और भी शेड्स मंगाने वाली हूँ दिस रिटेल फॉर टू थर्टी नाइन रुपीज़ एंड डिस्काउंट पे भी आपको अप्रॉक्सिमेटली टू हंड्रेड रुपीज़ की मिल जाएंगी सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड परचेज दिस ये वाला जो शेड है वो है चाय एंड दिस इज रियली वेरी गुड एंड आई एम गोइंग टू डेफिनेटली री स्टॉक लास्ट बट नॉट द लीसट जो दो चीजें मैं दिखाने वाली हूँ वो है ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक्स एंड दीज आर फॉर फॉर मे बी इन सुपर स्टे इंग लिपस्टिक्स ये पूरी खत्म तो नहीं बट हाँ ऑलमोस्ट खत्म हो गई है एंड में बहुत जरा सा लिपस्टिक बचा है बट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू री स्टॉक दैम इनके बहुत सारे शेड्स है मेरे पास बिकॉज ये आपके लिप्स से नहीं हटती हैं एंड ये बहुत ही अच्छा वो करती है पार्टी हो फंक्शन हो वेडिंग हो हर जगह हर टाइम पे मैं इनको ही लगा के जाती हूँ ये मेरी सुख दुख की साथी है <laughs> तो मैं इनको हर जगह लेके जाती हूँ सो so, अगर आप एक अच्छी लिपस्टिक ढूंढ रहे हो अफोर्डेबल लिपस्टिक ढूंढ रहे हो तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये सारे प्रोडक्ट्स जो थे जो मैं आपको दिखाए, मैंने आपको दिखाई मैंने यूज करे हैं पर्सनली मेरे ऊपर कैसे वर्क करे मैंने इनका इनका मिनी रिव्यू भी दिया हुआ है आपको तो होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ गाइस आप जाके मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी बाय गाइस